हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको एक ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन भरने के बारे में बता रहे हैं कि ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन कैसे भरा जाता है। उसके लिए पहले हम कॉइल बनाते हैं, तब उसमें पंखे में डालते हैं, और ये जो आप मशीन देख रहे हैं इससे कॉइलें बनाई जाती हैं। इस मशीन को ग्राइंडर बोलते हैं, और हमारे पास जो ग्राइंडर देख रहे हैं आप, ये 7.5 चक्कर का है। इसको जब हम एक बार ऐसे घुमाते हैं तो 7.5 चक्कर लगाता है, और कॉइल के जितने टर्न होते हैं उसको हम 7.5 से भाग देते हैं तो हमारे चक्कर ग्राइंडर के निकल आते हैं। और फर्मे में हम ऐसे धागा फंसा लेते हैं, धागा फंसाने के बाद हम तार फंसाते हैं। पहले धागा फंसा लेंगे, इसके ऊपर तार फंसाएंगे। ये देखिए, हमने तार फंसा लिया, और अब हम इसके चक्कर ग्राइंडर के लगाएंगे, और जितने चक्कर लगाने हैं उतने ही लगाएंगे, कम नहीं लगाएंगे। कम लगाएंगे तो कॉइल हमारी वेट कम हो जाएगा कॉइल का। देखिए, ये हम फर्मा पे अब कॉइल बना रहे हैं। कॉइल बनाते समय बहुत ही सावधानी रखनी चाहिए, ग्राइंडर को धीरे धीरे चलाना चाहिए, नहीं तो तार हमारा टूट सकता है, क्योंकि तार पतला होता है। ये हमारी कॉइल ग्राइंडर में बन रही है, और जब बन जाएगी तो हम इसको धागे से बांध के इस पे से उतार लेंगे। ये देखिए, कॉइल हमारी बन के कंप्लीट हो चुकी है, और ये धागे को हमने तोड़ दिया तार को, और ये धागे की गांठ बांध लेंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरी देखें। अगर वीडियो को पूरी नहीं देखेंगे तो आप लोग के समझ में नहीं आएगा कि सीलिंग फैन को कैसे भरना है और कैसे उसके कनेक्शन करने हैं। जब पूरी देखेंगे आखिरी तक तभी समझ में आएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि जैसे मैं वीडियो डालूँगा आप लोगों को तुरंत नई नई वीडियो मिलती रहे। और ये देखिए, ये लकड़ी के फर्मे बने हुए हैं, इन पे हम अलग अलग नाप के कॉइले बनाते हैं, और पत्ती के फर्मे बनाए जाते हैं, और उसके पत्ती के फर्मों पर हम कार्टन टेप लपेट लेते हैं, जिससे कि सिरिंज के कटे ना। कॉइल की लेंथ के अनुसार फर्मे अलग अलग साइज के होते हैं जिन पे हम कॉइल बनाते हैं। ये देखिए, कॉइल हमारी बनके तैयार हो गई। इसको अब हम निकाल लेते हैं फर्मे के ऊपर से, और कॉइल को बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालते हैं, जिससे तार में कहीं खरोचा ना लग पाए और कॉइल हमारी टूटने ना पाए। तार अगर टूट जाएगा तार तो कॉइल में गांठ पड़ जाएगा। सीलिंग फैन को रिवाइंड करना बहुत ही आसान होता है, कोई दिक्कत का काम नहीं है। अगर आप पूरी वीडियो ढंग से देखेंगे तो आप सीलिंग फैन को रिवाइंड करना सीख जाएंगे, चाहे ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन हो चाहे नया हो। सब करीब करीब एक ही तरह भरे जाते हैं, भाई इसमें कॉइल बना के डालते हैं ओल्ड मॉडल में, और न्यू मॉडल में कॉइल बना के नहीं डालते हैं। ये देखिए, कॉइल इस तरह तैयार कर लेते हैं हम, फिर उसके बाद सीलिंग फैन में भरते हैं। ये सीलिंग फैन का स्टेटर है जिसमें हमको कॉइल डालनी है। इसमें 8 कॉइल अंदर और 8 कॉइल बाहर डालनी है। पहले अंदर की कॉइलें डालते हैं, देखिए 2 हमने डाल रखी हैं, और पहले अंदर की तरफ कॉइलें डालते हैं, उसे कनेक्शन कर लेते हैं, तब हम बाहर की तरफ कॉइलें डालते हैं। और देखिए, ये हमने सेपरेटर काट रखे हैं, इनको हम खड़ा कर लेते हैं जिस स्लॉट में हमको कॉइल डालनी है।
इससे कॉइल आसानी से पड़ जाती है। अगर इस वाला सेपरेटर नहीं खड़ा करेंगे कॉइल तो पड़ जाएगी, दिक्कत रहेगी, हो सकता अर्थ भी कर जाए। अर्थ से बचाने के लिए और आसानी से कॉइल डालने के लिए हम इस सेपरेटर खड़ा करते हैं और कॉइल को एक तीन में डालते हैं, एक बीच की स्लॉट छोड़ देते हैं, तब एक और तीन में डालते हैं। देखिए अभी ध्यान से देखिएगा किस तरह हम कॉइल डाल रहे हैं। ये देखिए इस तरह कॉइल को रख के धीरे धीरे थोड़ा थोड़े तार को अंदर डालते हैं। अगर एकदम से सारे तार डालेंगे तो अंदर नहीं जाएंगे, इसीलिए थोड़े थोड़े करके तार को अंदर डालते हैं। इसी तरह करके हम सारी कॉइलों को डाल लेते हैं और उसके ऊपर ये सेपरेटर लगाते हैं। देखिए सेपरेटर को हम नाप का काट लेते हैं, उसी को फिर हम ऊपर लगाते हैं जिससे कॉइल हमारी बाहर ना निकले। तो सेपरेटर नहीं लगाएंगे तो कॉइल हमारी बाहर निकल आएगी। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब देखिए दूसरी कॉइल हम डालेंगे, उसके लिए भी पहले हम पीवीसी को खड़ी कर लेते हैं साइड में, वही एक और तीन में डालेंगे कॉइल को। कॉइल के सिरों को पहले सही कर लेते हैं, दोनों तब निकाल लेते हैं और कॉइल की आकृति को सही बना लेते हैं डालने से पहले, और कॉइल को थोड़ा सुलझा लेते हैं जिससे कि वो आराम से पड़ जाए स्लॉट के अंदर। ये देखिए हमने इस कॉइल को इसमें रखा और थोड़ी थोड़ी करके अंदर देखिए प्रेस करी, कितने आराम से देखिए कॉइल पड़ गई। अगर पूरी डालते तो नहीं पड़ती, और कॉइल को पीछे की तरफ थोड़ी मोड़ देते हैं। और फिर इस पे भी ऊपर सेपरेटर लगा देते हैं। अब देखिए अगली कॉइल हम डालेंगे, फिर हम इसको सेपरेटर से खड़ा कर लेते हैं और फिर कॉइल को इसके बीच में डालेंगे। इसी तरह करके हम पूरे पंखे को भरते हैं। और कॉइल को देखिए थोड़ा थोड़ा करके डालते स्लॉट के अंदर,
खट्टा डालेंगे तो स्लॉट में उलझ जाएगी, पड़ेगी नहीं सही। ये देखिए ये देखिए अंदर की सब कॉइलें पड़ गई हैं, 8 कॉइलें पड़ी हैं। हमने जो है देखिए एक स्लॉट छोड़ दी और एक ये छोड़ गई, ये चेक छोड़ रखी है। एक तीन में पड़ी हुई है कॉइलें, एक दो तीन, एक तीन में पड़ी हुई है, फिर एक स्लॉट छोड़ दी, फिर एक में डाल के एक स्लॉट छोड़ के डाली। देखिए इस तरह कॉइलें पड़ती हैं। अब इसके हम कनेक्शन करके आपको बताएंगे कनेक्शन कैसे किए जाते हैं। कनेक्शन करने से पहले तारों को साफ कर लेते हैं। साफ़ कर रहा हूँ तो आपको आता ही होगा क्योंकि मैं पिछली वीडियो बताया था, और नहीं तो फिर से बता देता हूँ कि इसको रेगमार से साफ़ करते हैं, सैंड पेपर से, सैंड पेपर साफ़ करते हैं। और अगर सुविधा हो पहले मोमबत्ती इसे जला लेते हैं, उसके बाद सैंड पेपर से साफ़ करते हैं, इससे तार अच्छे से सिरे साफ़ हो जाएं। ये देखिए ये कॉइल का दूसरा सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा, ये इसका दूसरा सिरा है, ये मैंने स्लीव डाल रखी, दूसरे सिरे हैं। अब दूसरे सिरे को पहले सिरे से जोड़ेंगे। ये देखिए इसका पहला सिरा कॉइल का और ये आगे दूसरा सिरा है, इनको पहले सिरे को दूसरे सिरे से जोड़ देंगे। पहले सिरे को टॉप, दूसरे सिरे को बॉटम बोलते हैं, और या पहला सिरा दूसरा सिरा कह सकते हैं। तो हम इसके कनेक्शन जो है टॉप बॉटम करते हैं और कहते हैं इसको सीरीज कनेक्शन भी बोलते हैं। इसी तरह पूरे कनेक्शन देखे कर लेते हैं। कनेक्शन करने के बाद ऊपर हम कॉटन टेप बांध देते हैं इस पर, कि जिससे कॉइल हमारी सेपरेट हो जाए, अर्थ ना करे, बॉडी में टच ना हुए, और अगली कॉइल जो डालेंगे ऊपर वाली वो उसमें शॉर्ट ना करे। ये देखिए इसके दोनों सिरे निकल आए, सारे कनेक्शन हो गए हैं कॉइल के, एक पहला सिरा एक आखिरी सिरा, इन दोनों को हम मेन सप्लाई के लिए निकाल देते हैं।
उसके कनेक्शन जो है उसको हम सीरीज की सहायता से या मल्टीमीटर की सहायता से चेक कर लेते हैं कि पूरी कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है, और अर्थ तो नहीं है जो हमने कॉइल भरी हैं। और कॉइल अर्थ होती है तो उनको देख के पहले ठीक कर लेते हैं तब अगली कॉइल डालते हैं, नहीं तो फिर बाद दिक्कत होती है। ये देखिए अब कनेक्शन हमारे सही हो गए, उसके बाद फिर कॉटन टेप बांध देते हैं, ये कॉटन टेप कहलाता है। दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों तरफ कॉटन टेप बांध देते हैं, कॉटन टेप को थोड़ा खींच के बांधते हैं, टाइट करके, ढीला नहीं बांधते हैं। कॉटन टेप को बहुत ही होशियारी से बांधना चाहिए जिससे कि हमारा तार कहीं कट ना जाए, तार मुड़ा के कट ना जाए, तार तार में खरोंचा ना लग जाए। ये देखिए वो पूरा कॉटन टेप बांध दिया हमने, अब ऊपर की स्लाटें भर रहे हैं यानी कि दूसरी बाइंडिंग डाल रहे हैं। ये देखिए उसी तरह सेपरेटर खड़ा कर लिया, वो कॉइल कितनी आसानी से अंदर पड़ गई है, कोई दिक्कत नहीं होती कॉइल डालने में। ठीक वही प्रोसीजर हम अपनाते हैं ऊपर वाली कॉइल को डालने के लिए भी, और उसी तरह इसके कनेक्शन भी करते हैं जैसे अंदर वाली कॉइलों के किए थे, और इन कॉइलों को भी 1-3 में डालते हैं। सेम पूरा प्रोसीजर वही होता है जो अंदर वाली कॉइल के लिए किया गया था।
आठ कोयले अंदर और आठ कोयले बाहर डालते हैं इसमें। ये देखिए इस तरह रखिए धीरे से कोयल और इसको आराम से कोयल, ये देखिए इधर चली गई और दूसरा भी थोड़े थोड़े करके तार डालेंगे, ये आराम से चली जाएगी। ये देखिए चली गई दोनों तरफ। ये देखिए अंदर की सब कॉइलें पड़ गई, बाहर की सब पड़ गई। अब ये बाहर कॉइल कनेक्शन भी उसी प्रकार से करते हैं जैसे कि अंदर कॉइल के किए थे। तारों को साफ कर लेते हैं और टॉप बॉटम कनेक्शन करते हैं, या आप कह सकते हैं पहले कॉइल के आखिरी सिरे को दूसरे कॉइल के पहले सिरे से जोड़ देते हैं और फिर उसके भी दो तार आखिरी निकलते हैं उसको और अंदर वाले के दो तारों को जोड़ के ऊपर ये चार तार निकाल देते हैं। एक रनिंग बाइंडिंग के हो जाते हैं, एक स्टार्टिंग बाइंडिंग के हो जाते हैं। सीलिंग फैन को भरना कोई कठिन काम नहीं होता, बहुत आसान है। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आप सीख जाएं कैसे सीलिंग फैन को भरा जाता है। और कोई भी काम है प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपको भरना आएगा। चाहे पंखा हो, चाहे मोटर हो, या कोई भी कार्य हो, जितनी आप लगन से करेंगे, जितनी आप मेहनत से करेंगे उतना आपको काम आएगा। और कॉइलों को पीठ के अंदर दबा देते हैं जिससे कि ऊपर वाली बेयरिंग से थोड़ा नीचे ही रहे, नहीं तो ये ऊपर वाले पल्ले में लड़ सकती हैं जिससे कि कॉइल हमारी कट सकती हैं और अर्थ कर सकती हैं। इसलिए कॉइल को हम थोड़ा पीठ के दबा देते हैं और ऊपर की कॉइलों को भी हम धागे से या फिर कॉटन टेप से बांध देते हैं और उसके बाद कंटिन्यूटी वगैरह चेक करके उसमें वार्निश डाल देते हैं। वार्निश सूखने के बाद ही पंखे या मोटर को बांधना चाहिए। अगर वार्निश गीली रहेगी तो जब चलेगी तो हीट करेगी और जल जाएगी, इसलिए इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि जब वार्निश सूख जाए तभी मोटर को बांधा जाए।
आप बाहर वाली कॉइल के भी कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं कि हमारे कनेक्शन सही है या नहीं है, कंटिन्यूटी दे रहा है या नहीं दे रहा है। ये देखिए कंटिन्यूटी दे रहा है, अर्थ भी नहीं है, तो यानी कि पंखा हमारा सही है। और इस तरह हम इस पर धागा बांध देते हैं ऊपर, ये देखिए धागा बांध के बिल्कुल कंप्लीट है। अब खाली इसमें वार्निश डालने की देर है, फिर वार्निश डालकर इसको हम सुखा देते हैं। ये देखिए पंखा हमारा कंप्लीट है। और इस तरह सिरों पर बांस की फन्नी या फिर एलएम सीट आती है उसको लगा देते हैं, जिससे कोयले बाहर ना निकलें। ये सब बांस की लगी हुई हैं, और एलएम सीट भी आती है उसको भी आप लगा सकते हैं। मेरे पास बांस उपलब्ध था इसलिए मैं बांस के ये पीस काट के लगा दिए। और ये देखिए चार द्वार कनेक्शन के निकल गया है, दो रनिंग के हैं और दो स्टार्टिंग के हैं। लाल वायर रनिंग के हैं और नीले वायर स्टार्टिंग के हैं। इस तरह ये ओल्ड मॉडल का सीलिंग फैन भर के कंप्लीट हो चुका है, बस इसमें वार्निश डालनी बाकी है। इधर की तरफ भी हम कॉइल पीट के दबा लेते हैं, देख ये देख ध्यान देते हैं कि नीचे के पल्ले में कॉइल लड़ने ना पाए।